नमस्कार स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो माफी, दो हफ्तों से गायब हूँ। आप सब सोच रहे होंगे अशोक सर गए कहाँ, अशोक सर का कोई नया लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, स्टूडेंट्स के कॉन्स्टेंट मैसेजेस एंड कॉल्स आए। लेकिन बेटा थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ा इन्फेक्शन था, थोड़ा बुखार था, सो आई वॉज टेकिंग अ लिटिल रेस्ट। लेकिन अब हम पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं और उसी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ हम वापस लौट रहे हैं आपके लिए लेकर इंग्लिश ग्रामर के अमेजिंग लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आप सब ने अभी तक हमारे जितने भी वीडियोस देखे हैं, दे हैव बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग आवर चैनल वेरी पॉपुलर। बहुत कम समय में हम नियरली 600 सब्सक्राइबर्स को पहुंचने वाले हैं। ये सब आप ही की बदौलत है, ये आप ही का प्यार है। मेरे दम पे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, विदाउट योर सपोर्ट दिस वॉजंट पॉसिबल। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज़ टॉपिक। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मैंने आपका सेकंड लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स दिए। लेकिन एग्जाम में तो ये होने वाला नहीं है, एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय अ स्टूडेंट इमीडिएटली आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, ही मैसेज्ड मी, सर कंपाउंड क्या होता है पता चल गया, कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी पता चल गया, लेकिन करना क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वही तो सिखाना है। लेक्चर नंबर 3 आपको सिखाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली लेक्चर नंबर 3 में, यानी आज के लेक्चर में, आप ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। क्या ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। यानी आपको कंपाउंड के सेंटेंसेस मिलेंगे और उन्हें आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है। नाउ बिफोर वी बिगिन टुडेज वर्क, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, क्योंकि दो हफ्ते बीत चुके हैं, दो हफ्ते पहले जो हमारा आखिरी लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आप सबको बताया था कि मैं आपको कुछ चीट कोड्स देने वाला हूं। ये चीट कोड्स क्या है, सॉरी थोड़ा गला अभी भी ठीक खराब है, ये चीट कोड्स क्या है और इससे क्या सीखने को मिलता है, सोचिए, जस्ट सोचिए। अगर आपको पता चल जाए किस कंजक्शन के रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन सा कंजक्शन आएगा, योर गेम बिकम्स लाइक दिस, इजी, एक्चुअली इजियर देन यू कैन इमेजिन। आप सब लोग ये जानते हैं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बेसिक डेफिनेशन सेम है, अ सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड टू और मोर प्रेडिकेट्स। फर्क सिर्फ आता है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अगर मुझे किसी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक जाएगा दूसरा आएगा, मतलब मुझे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को रिमूव करना है और उसकी जगह मुझे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लेके आना है, और उसी का एक चार्ट मैं आपको देने वाला हूं। अगर ये चार्ट आपको याद रह जाए, अगर आपको याद रह जाए कि किस कंजक्शन के सामने कौन सा कंजक्शन यूज होगा, माय डियर स्टूडेंट्स द गेम इज योर्स, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप किसी भी कंपाउंड के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, ठीक है। सो समय गवाए बगैर फटाफट हम बनाते हैं चार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसके एक तरफ है कंपाउंड और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। अब सबसे पहले कंजक्शन फॉर, फॉर के लिए आप यूज कर सकते हैं एज, बिकॉज एंड सिंस। नेक्स्ट कंजक्शन आपका
एंड, अब एंड के लिए मल्टीपल है, एंड के लिए कौन से ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, नीदर नॉर, उसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं एज वेल एज, एफ ए एम हो गया, बी बट, बट के लिए आप यूज कर सकते हैं although, and however, उसी तरह से और या फिर either of के लिए आप यूज कर सकते हैं if या फिर unless, और अरे but और yet तो सेम होता है, उसी तरह से for और so भी सेम होता है, तो यहां पर बन गया आपका चार। ध्यान से देखिए, अगर ये चार आपको याद रह जाए, विच इज नॉट द डिफिकल्ट थिंग टू डू माय डियर फ्रेंड्स, द गेम इज ओवर। लेकिन क्या सिर्फ मेरे कह देने से काफी हो जाएगा? नहीं, टॉपिक तब कंप्लीट नहीं होता जब अशोक सर कहते हैं कि समझ में आया कि नहीं। टॉपिक तब कंप्लीट होता है जब आप उसे जांचे परखें और आपका दिमाग कहे कि हाँ यार समझ में आया। तो अभी फटाफट 30 सेकंड्स में पहले बोर्डवर्क कॉपी करिए, ये चार्ट बनाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये चार्ट को हम सॉल्व करते हैं, कैसे इस चार्ट की मदद से हम ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। योर 30 सेकेंड्स बिगिन नाउ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं चार्ट आपने फटाफट कॉपी कर लिया होगा। लेकिन वो चार्ट समझ में नहीं आया सर। क्यों समझ में नहीं आया? सर आप हमेशा से कहते हो ट्राई करो तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा बेटा। हमेशा मेरी एक चीज याद रख लेना, जब तक तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ना करे तब तक टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो आइए आज आपको प्रूव करते हैं, ठीक है? एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस है आपके सामने, राकेश वॉज रिवॉर्डेड फॉर अचीविंग द टारगेट। ये कौन सा सेंटेंस है भाई साहब? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहां पे कंजक्शन फैनबॉयज का फॉर लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट है और उसके दो प्रेडिकेट्स। अब हमें कहा गया कि इस कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएं। ग्रामर के दो गोल्डन कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। पहला, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है, और दूसरा, जब भी ग्रामर सॉल्व करो मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम सवाल में से जवाब निकालेंगे। देखो, अगर इसको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो पहला काम क्या होगा, ये वाला कंजक्शन यहां से बाहर चला जाएगा। मतलब आप फॉर यूज नहीं करेंगे, फॉर यूज नहीं करेंगे। अब आप इसकी जगह पर आपके चार्ट के मुताबिक आपको तीन कंजक्शन दिए हैं, एज, बिकॉज, सिंस। मैं आपको तीनों से आंसर बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखिए।
ये सेंटेंस बना हुआ है आपका कंपाउंड और हमें बनाना है इसका कॉम्प्लेक्स। देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। पहले एज से, एज राकेश अचीव्ड द टारगेट he was rewarded। ध्यान से देखिए, आपका कंजक्शन यहां पे as, आपका सब्जेक्ट है राकेश, अचीव द टारगेट पहला प्रेडिकेट, was rewarded दूसरा प्रेडिकेट, ये कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स में पहला। अब इसी को हम बनाने जा रहे हैं बिकॉज से, राकेश was rewarded because he achieved the target। Again आपका subject एक राकेश, आपका conjunction because, was rewarded पहला predicate, achieved the target दूसरा प्रेडिकेट। तीसरा एग्जाम्पल, सिंस राकेश अचीव्ड द टारगेट ही वॉज रिवॉर्डेड। यहां पर आपका कंजक्शन है सिंस, आपका सब्जेक्ट है राकेश, अचीव द टारगेट पहला प्रेडिकेट, वॉज रिवॉर्डेड दूसरा प्रेडिकेट। बेटा देख लो ध्यान से, अभी अब आप कह सकते हो कि आपको समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि कंपाउंड का सेंटेंस था, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लेक्स में बदला है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अमेजिंग चीज क्या है, यहां तक आप अब सीख चुके हैं ट्रांसफॉर्म करना, एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना सीख चुके हैं, लेकिन मैंने आपको अभी तक कोई रूल्स नहीं सिखाए हैं। इसे ही हम कहते हैं बेटा ग्रामर विदाउट रूल्स, ग्रामर दैट वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट्स। अब फॉर के बाद बारी आती है एंड की ना, तो आइए एंड वाला सेंटेंस लेते हैं। अमित रिसीव्ड द लेटर एंड रेड इट। अमित ने लेटर रिसीव किया और पढ़ा। आपका सब्जेक्ट यहां पे अमित, रिसीव्ड द लेटर पहला प्रेडिकेट, रेड इट दूसरा प्रेडिकेट, एंड आपका कंजक्शन। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको ध्यान। अब ध्यान से देखिए, अगेन ये सेंटेंस जो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, हमें इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक जाएगा दूसरा आएगा, एंड जाएगा तभी तो उसकी जगह पर चार कंजक्शन है आपके पास, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर और व्हेन। चारों के एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है बेटा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा के बोल दूं, खुद ही कर लेना बाकी का। आपको खुद ही करने वाला काम बहुत सारा देने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल आप एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसका एज सून एज वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, एज सून एज अमित रिसीव्ड द लेटर ही रेड इट। अब यहां पर देख लीजिए आपका कंजक्शन, As soon as, subject Amit received the letter पहला predicate, read it दूसरा predicate। As soon as हो गया, अब बारी है after की। After receiving the letter, Amit
रेड एडिशन। यहां पर आफ्टर आपका कंजक्शन, अमित आपका सब्जेक्ट, रिसीविंग द लेटर पहला प्रेडिकेट, रेड इट दूसरा प्रेडिकेट, बिफोर रीडिंग द लेटर अमित रिसीव इट। यहां पर भी बिफोर आपका कंजक्शन, अमित आपका सब्जेक्ट, रीडिंग द लेटर पहला प्रेडिकेट, रिसीव्ड इट दूसरा प्रेडिकेट, और आखिरी व्हेन अमित रिसीव्ड द लेटर ही रेड इट। आपके सामने मैंने चारों के चार एग्जांपल एंड वाले रख दिए। So, इसके साथ आपका F हो गया, A हो गया, फैन बॉयज के अभी और कंजक्शन बाकी है, करवाने वाला हूं, लेकिन बोर्ड वर्क तो कॉपी करो, 30 सेकेंड्स फॉर यू कॉपी, फटाफट कॉपी करिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स F हो गया, A हो गया, अब बारी है N की। ओके, सो नीदर नॉर का सेंटेंस लेते हैं। शी नीदर आस्क्ड नॉर आंसर्ड एनी क्वेश्चन। ओके, ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये सेंटेंस है कंपाउंड का, और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इनके बीच में फर्क क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, तो एक जाएगा दूसरा आएगा, यानी यहां से नीदर नॉर निकलेगा, ये वाला हिस्सा जो है ये निकल जाएगा और उसकी जगह हमें एज वेल एज लाना पड़ेगा। कैसे बनेगा आंसर ध्यान से देखिएगा, सवाल का जवाब सवाल में से ही बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है, तो सवाल का जवाब सवाल में से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, शी, अब यहां पे कुछ चीजें आप तो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए देखिए, ये जो आस्क्ड है ना बेटा, ये इंडिकेट करता है पास्ट टेंस, सो आया डिड, नीदर नॉर का आया नॉट, सो डिड, शी डिड आस्क एज वेल एज answer any question, और आंसर बन गया। कैसे बनाया मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सब्जेक्ट वही का वही शी रहने दिया, आज से हमारा डिड निकला, नीदर नॉर से नॉट निकला, तो डिड आस्क एज वेल एज आंसर एनी क्वेश्चन। ओके, अब नीदर नॉर हो गया, बारी है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अर्जुन नॉट ओनली स्कोर्ड गुड मार्क्स बट ऑल्सो वॉन 3 मेडल्स इन स्पोर्ट्स। उसने दो काम कर दिखाए हैं। आपका यहां पे कंजक्शन कौन सा रिमूव करना पड़ेगा आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसका आंसर कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, अर्जुन स्कोर्ड गुड मार्क्स एज वेल एज वॉन 3 medals in sports, it was that easy. बस एक जाएगा दूसरा आएगा, इतना याद रखना है। Now F हो गया, A हो गया, N हो गया, B, okay?
माय फादर केम लेट बट ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम. माय फादर केम लेट बट ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम. तो यहां पे कौन सा कंजंक्शन रिमूव करना पड़ेगा बेटा? बट. अब आइए इसके यहां पे तीन ऑप्शन है आपके पास, ऑल्दो, दो और हाउएवर. ओके, सो ऑल्दो माय फादर केम लेट he completed the work on time. अब इसमें दो करेंगे तो भी सेम, दो माय फादर केम लेट ही completed the work on time. और हमारा आखिरी सेंटेंस, माय फादर केम लेट हाउएवर ही completed the work on time. एक बोनस फीचर दे दूं, हाउएवर का इस्तेमाल आप सेंटेंस की बिगिनिंग में भी कर सकते हैं. कैसे? हाउएवर लेट माय फादर केम he completed the work on time. ये बोनस फीचर है, आप हाउएवर का इस्तेमाल सेंटेंस के बिगिनिंग में भी कर सकते हैं. ओके, सो आपका एफ हो गया, ए हो गया, एन खत्म करवा दिया, बी खत्म करवा दिया, नहीं सॉरी एन तो यही है, हाँ बी खत्म करवा दिया, बाकी बचा ओ वाई एस. 30 सेकेंड्स है आपके पास, अच्छे से देख लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए तो फिर आगे का काम शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, एफ हो गया, ए हो गया, एन हो गया, बी हो गया, अब बचा है ओ वाई एस. सो और का सेंटेंस लेते हैं. टेक योर मेडिसिंस ऑन टाइम और यू will be hospitalized. अब यहां पर अब तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा करना क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटाना है. अब और के सामने आपको दो ऑप्शन दिए थे मैंने, इफ और unless, तो आपको दोनों से एग्जाम्पल्स बना के दिखा रहा हूं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. इफ you won't take your medicines on time, you will be hospitalized. Now, a question comes into a child's mind. सर ये वोंट कहां से आया?
मेरी बात याद रख लेना बेटा, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है। आप देख सकते हैं यहां पे विल है, ये विल ही कारण बना कि हमारे आंसर में गोंट आया। समझे बेटा? चलिए अब इसके बाद बारी आती है अनलेस की। अनलेस यू टेक योर मेडिसिंस ऑन टाइम यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। ओके, सो यहां पे आपका ओ का एक पार्ट खत्म हुआ, अभी आइदर और का सेंटेंस बाकी है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। यू कैन आइदर पे द रेंट और वेकेट दिस प्लेस। वेकेट शब्द का अर्थ होता है खाली कर देना। सो यू कैन ईदर पे द रेंट और वेकेट दिस प्लेस। नाउ इसमें कैसे करेंगे? सेम बात बेटा, यहां से इधर और को जाना हो उसकी जगह पर आप इफ भी लगा सकते हैं या फिर आप अनलेस भी लगा सकते हैं। कैसे? इफ यू कांट पे द रेंट इफ यू कांट पे द रेंट यू कैन वेकेट दिस प्लेस। अगर आप रेंट नहीं भर सकते हैं तो आप खाली कर सकते हैं, या फिर अनलेस यू कैन पे द रेंट यू कैन वेकेट दिस प्लेस। आपका एफ हो गया, ए हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। अब बारी आती है वाई की, येट के सेंटेंसेस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सुधा वॉज टायर्ड येट शी डिंट कंप्लेन अबाउट। सुधा वॉज टायर्ड येट शी डिंट कंप्लेन अबाउट। यहां पर आपको ये येट रिमूव करना है और इसके तीन ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? ऑल्दो, दो, या फिर हाउएवर। ओके, सो पहला ऑल्दो, ऑल्दो सुधा वॉज टायर्ड शी डिंट कंप्लेन अबाउट इट। दूसरा, दो सुधा वॉज टायर्ड शी डिंट कंप्लेन अबाउट इट। और आखिरी सेंटेंस, सुधा वॉज टायर्ड हाउ एवर शी डिंट कंप्लेन अबाउट इट। आपका ओ खत्म हो गया, वाई खत्म हो गया, अभी भी एस बाकी है और एस के सेंटेंस करवाने के बाद आज का स्पेशल फीचर भी बाकी है। अगेन आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, ये वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए,
आज का वीडियो लंबा है क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब हम वापस आएंगे तो डबल लेक्चर होगा। सो मजे से सीखते रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। बेटा F A N B O Y तक हम सफर तय कर चुके हैं, आपके 8 कंजक्शंस में खत्म करवा चुका हूं, आखिरी कंजक्शन 100 बचा है। ये खत्म करवाने के बाद मैं आप लोगों को 9 सेंटेंसेस दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपको उन 9 को सारे ऑप्शंस में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर एंड का सेंटेंस है तो उसके 4 आंसर बनेंगे, यही होगा आपका होमवर्क इस लेक्चर का। सो पहले 100 के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं होमवर्क के सेंटेंसेस भी लिखवा देता हूं। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क सो आई वेंट होम अर्ली। ओके, अब यहां पर भी याद रख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फंडा, एक जाएगा दूसरा आएगा। यहां पर सो निकलेगा, यहां पर एज आ सकता है, बिकॉज आ सकता है, और सिंस आ सकता है। अब तीनों एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एज आई हैड फिनिश्ड माय वर्क आई went home early, ये पहला। I went home early because I had finished my work। और आखिरी सिंस आई हैड फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट होम अर्ली। बेटा इसी के साथ आपका 9 के 9 कंजक्शंस फैन वॉइस के मैंने कवर कर लिए हैं। आपको मैं 30 सेकेंड्स का ब्रीदर देता हूं, ये सिर्फ कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको होमवर्क के लिए 9 सेंटेंसेस में बोर्ड पे देने वाला हूं, ठीक है? फटाफट कॉपी कीजिए। ये रहे आपके 9 क्वेश्चंस बेटा, मैं एक एक बोर्ड पे लिखूं, आप मेरे साथ कॉपी करें, इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, सो समय बचा रहा हूं आपका। 9 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखे हैं, ये 9 के 9 आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे कंपाउंड के सेंटेंसेस हैं, इनको आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है और हर एक को जितने पॉसिबल आंसर से सारों में बदलना है। वंस यू डू दैट माय डियर चिल्ड्रन, यू विल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड भी सिखाऊंगा, उसके अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस हैं, कुछ और नई चीजें हैं जो आप लोगों को सिखाऊंगा। ऐसे ही मजेदार चीजों के साथ हम सारे लेक्चर्स आपके लिए बनाते हैं और आप सबका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए इसी तरह से अपने लेक्चर्स देखते रहिए, सीखते रहिए। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हमारे सारे लेक्चर्स बनाने का इंटेंशन बस इतना है बेटा कि हम फिजिकली तो आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन वर्चुअली आपके साथ जुड़कर आपको जितना अच्छा सिखा सकें सिखा सकें। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। थैंक यू सो मच बेटा कि आप सब लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, और सिर्फ 2 महीने के स्पैन में, मैंने इसको मई के मंथ में शुरू किया था, 2 महीने में 600 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आप सबकी बदौलत ही हो पाया है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, अपने फीडबैक्स, मेरे मोबाइल नंबर आपके पास है, मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, उसके ऊपर भेजें।
We welcome each and every feedback from your side. Thank you so much for your time, Beta, and we hope you keep on learning and enjoying. Thank you so much.